भक्तिमिरांदस्य ज्ञानांजन चलाकया सत्सरों मिलिताम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविशंस्तारिणे स्वयं रूपा गदामयं ददाति सर्वदात्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्री श्रवण कैसे करना चाहिए। तो भक्ति करने के नौ मार्ग है, नवविधा भक्ति मार्ग जिसको हम कहते हैं। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवन अर्चनम अर्चनम देन वंदनम दास्यम साख्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सो ईच वन ऑफ डिवोशनल सर्विस वन ग्रेट डिवोटीज आर एन एग्जांपल फॉर श्रवण हु इज एन एग्जांपल परीक्षित महाराज कीर्तन सुदेव गोस्वामी विष्णु स्मरण अर्चन वंदन दास्य हनुमान सख्य आत्मनिवेदन वेरी गुड यू आर आल्सो वेरी नाइस। सो इन नाइन टाइप ऑफ डिवोशनल सर्विस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू हियर कृष्णास ग्लोरीज। तो सब नवविधा भक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण और जानने वाला चीज है वो है श्रवण। From whom do we have to hear? That is another problem. और हमें किससे सुनना चाहिए वो भी एक अलग ही विषय है। Whom to for hearing Krishna Gada? Whom to hear? From whom? Devotee of the Lord. तो हमें किससे सुनना चाहिए? भक्तों से सुनना चाहिए। सनातन गोस्वामी हरे कृष्णा सनातन गोस्वामी गिविंग एडवाइस हरि कथा फ्रॉम होम टू वी शुड हियर। तो सनातन गोस्वामी जी हमें ये एडवाइस देते हैं, हमें ये बताते हैं कि हमें किससे सुनना चाहिए। अवैष्णव महादिग्ना पूत हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्प उच्चिष्ट यदापय। अवैष्णव वन इज नॉट डिवोटी यू शुड नॉट हियर फ्रॉम हिम। तो सुनना नहीं चाहिए। Now we ask question, Hari Katha is Amritam. Why not we can hear? Speaker is doesn't matter. Hari Katha is Amritam. Now why not we should hear?
तो हम ये तर्क कर सकते हैं कि हरि कथा तो अमृत है ना, तो हम क्यों नहीं सुन सकते अवैष्णव के मुख से भी? नो सनातन गोस्वामी सेड अवैष्णव मोहदि ना पूद हरि कथा हरि कथा अमृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सेइंग नो यू इज नॉट अ डिवोटी यू शुड नॉट हियर फ्रॉम हरि कथा फ्रॉम यू. तो नहीं, सनातन गोस्वामी कहते हैं जो अवैष्णव है, जो भक्त नहीं है, हमें उससे बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए हरि कथा. व्हाई? क्यों? सर्प उच्चिष्ट यदा पया ऐसा स्नेक टच बाय द मिल्क मिल्क टच बाय द लिप ऑफ द स्नेक द मिल्क बिकम पॉइजन. जैसे हम देखते हैं अगर सर्प ने दूध को छू लिया, दूध को अपने जीवा से टच कर लिया, तो वो दूध क्या बन जाता है? जहर. Therefore we should not hear harikatha from even though harikatha is amritam we should not hear from non devotees. तो इसलिए हमको वो हरिकथा जो है वो अभक्तों के मुख से नहीं सुननी चाहिए क्योंकि वो अमृत होने के बावजूद भी वो जहर के समान हो जाएंगे. We should hear from devotees only. इसलिए हमें भक्तों के मुख से ही सुनना चाहिए. Therefore Chaitanya Mahaprabhu personal assistant Swarup Damodar Goswami gave an example how to hear Bahavado Parakiya Bahavadastani. If you want to learn book Bahavada तो जो व्यक्ति भागवत है वो क्या है? वो एग्जाम्पल है, वो एक उदाहरण है पुस्तक भागवत के लिए. ओके, देन व्हाई व्हाट इज द नीड फॉर हियरिंग व्हाई वी हैव टू हियर अबाउट कृष्णा. तो अभी जरूरत क्या है सुनने की? हमें भगवान के बारे में, श्री कृष्ण भगवान के बारे में सुनने की आवश्यकता क्या है? क्या है आवश्यकता क्या है? Why we should hear from Krishna's glories, Krishna's name, fame, pastimes? Why? Otherwise, you know? Otherwise, why we should hear Krishna katha? So we can go to back to God. Without cleaning our heart, we can't go back as well. तो हमें हरि कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि हमें हमारे हृदय को शुद्ध करना है. उस वो हमारा मेन पर्पस होना चाहिए. हरि कथा सुनकर हमारे हृदय को हम शुद्ध करें. सन्नत सहद कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय दस्तोगि अभद्राणि विदनोति सुकृत सदा. Then constantly hearing Krishna's glories, all our anattas from our heart will destroy. अगर हम ऐसे सतत हरि कथा हरि कीर्तन सुनते रहेंगे तो हमारे हृदय के अंदर जो भी भद्र अभद्र चीजें हैं, जो जो विकार है, वो सब दूर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे. And how should we hear? How should we hear? और हमें कैसे श्रवण करना चाहिए? एकदम नम्र भाव होकर, पूरे ध्यान पूर्वक और पूरे मन के साथ वो श्रवण करना चाहिए. प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया. प्रणिपादेन फर्स्ट वी अप्रोच अ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड वेरी हम्बली सबमिसिवली हियर फ्रॉम हिम एंड इन सेवा एंड फ्रॉम हियर. हमें कैसे सुनना चाहिए? पहले हमें एक बोना फाइड जो गुरु है उनके पास जाना चाहिए, जो प्रामाणिक गुरु है उनके पास जाना चाहिए, उनको प्रणाम करके, उनको नम्र भाव से उनकी सेवा करके फिर उनसे श्रवण करना चाहिए. Not in a challenging mood. Not in a challenging mood. Oh, you are guru. You know Ramayana. Tell me Ramayana. So, ऐसे एकदम challenging mood में नहीं जाना चाहिए. आप गुरु हो, आपको रामायण पता है? आप बताइए रामायण में क्या है? हरिश भगवत गीता. तो ऐसे नहीं पूछना चाहिए कि क्या है भगवत गीता, बताइए. It's not like. गुरु महाराज, you are so blissful. You are great devotee of the Lord. Please guide me, enlighten me. I am fool number one. Please guide me, give some knowledge to. तो हमें गुरु को कैसे अप्रोच करना चाहिए? हमें उनके साथ समक्ष होकर खड़ा होकर प्रणाम करके उनको कहना चाहिए कि मैं बहुत ही बुद्धिहीन जीव हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, आप मुझे बताइए कि मेरे उद्धार के लिए क्या है, इस शास्त्र में क्या है ये ज्ञान जो मुझे, मैं आपसे लेना चाहता हूँ. ऐसे भाव से लेना चाहिए. And how much eagerness, how much taste you like Parikshit, he never eat, never drink, 7 days continuously hearing.
और हमें कैसा टेस्ट होना चाहिए परीक्षित महाराज के जैसा, सात दिन सात रात ना खाए ना पिए ना सोए, बस भागवतम श्रवण करने में ही उनका मन लगा रहा। Seven days is not possible for us. सात दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। Seven hour is very difficult. सात घंटा भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। Now 11 o'clock, when I give prachan, you take 12:30, then everyone one of them left taxi. Some prasad is there. 1 o'clock, nobody there. I only sitting. अभी मैं 11 बजे प्रवचन स्टार्ट किया है, 12 बज जाएंगे, 12:30 होने लग गए, तो पीछे पीछे से एक एक निकल जाएंगे प्रसाद लेके, 1 बजे तक मैं खाली अकेला ही बैठा रहूंगा। कभी कभी तो जो वक्ता है वही भाग जाएगा क्योंकि उसको भी भूख लगती है। But Sukadev Goswami and Parikshit Maharaj so much eager while speaking, Sukadev Goswami non-stop is speaking and Parikshit Maharaj very eagerly. तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बारे में ऐसा नहीं है, जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो बिना रुके बिना कोई विलंब के बातें बताते जा रहे, कथा करते जा रहे, और परीक्षित महाराज भी उतने उत्साह से उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। गुरु महाराज, can you please tell me why Lord appears in Varaha incarnation? Why he appeared in Narsingadev? Why he killed Putana? Why he went to Dwaraka? And this is one after another, lot of questions are asked Parikshit Maharaj. तो परीक्षित महाराज बहुत प्रश्न पूछ रहे कि वराह अवतार क्यों हुए, नरसिंह अवतार में क्यों आए, उन्होंने पूतना का वध क्यों किया, वो वृंदावन से मथुरा क्यों गए, ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछ पूछ कर उन्होंने भगवान के बारे में सुनने की इच्छा व्यतीत की। And Sukadev Goswami also very eagerly glorifying all supreme lord's pastimes. और सुखदेव गोस्वामी जो है वो भी बहुत ही उत्साह से भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन और दिव्य लीलाओं का वर्णन करते जा रहे हैं। I will tell you one story from South India. The king how much eager to hear Ramayana. अभी एक मैं कथा बताऊंगा आपको हमारे साउथ इंडिया से, कैसे वो राजा है वो रामायण सुनने के लिए कैसे आतुर है, उत्साही है। We can learn from this story how much eagerness we have to develop eagerness from hearing from the mouths of devotees. Very very important. तो इस कथा से हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपना उत्साह और इच्छा को प्रबल बनाना है हरि कथा को सुनने के लिए भक्तों के मुख से। Anybody know who is the devotee? किसी को पता है वो डिवोटी कौन है? कुलशेखर अलवा। एवरीबॉडी नो द स्टोरी? ओके, कुलशेखर, किंग कुलशेखर, लेटर ही बिकम वन ऑफ द 12 अलवास। किंग कुलशेखर, नाउ इन आवर संप्रदाय गोस्वामी सर, गोस्वामी सर देयर, नरतम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, इन दिस वे श्री संप्रदाय देयर 12 अलवास। जैसे हमारे संप्रदाय में शंकर गोस्वामी है और भी आचार्य है, वैसे श्री संप्रदाय में ये 12 अलवार है, और ये कुलशेखर अलवार जो पहले राजा थे बाद में वो 12 अलवारों में से एक बने। इन वैदिक टाइम इन साउथ इंडिया 3 किंग्स आर रूल्ड। तो दक्षिण भारत में काफी समय पहले 3 राजा मुख्य तौर से राज कर रहे थे। तो उनका जो मुख्य सिटी था वो है कोल्लम सिटी। So from there he extended his kingdom. He had a very nice kingdom. He looked after their people generally as like a child. He was so nice. वो बहुत ही अच्छे राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को बहुत प्रभावित कर मतलब बहुत बढ़ाया था आगे तक, और बहुत अच्छे से राज्य भी कर रहे थे। But even though he's a king, he was not attachment in his kingdom. He not attachment. Extended his providence. He doesn't want to extend his kingdom. He always wanted to eager to go different holy places. तो भले वो इतने बड़े राजा थे, अपने राज्य को उन्होंने बहुत बढ़ाया था, बहुत आगे तक फैलाया था, लेकिन फिर भी वो इतने राज्य से ऐसे आसक्त नहीं थे। So he every day
Every day he woke up from his bed. When I go to Sri Rangam, when I go to Tirupati, when I go to Kanchipuram, when I go to different holy places, every day he wanted to leave his kingdom and go to holy places. तो जो कुरुक्षेत्र वाला राजा थे वो सुबह रोज उठते थे तो उनके मन में यही रहता था कब मैं जाऊंगा तिरुपति, कब मैं जाऊंगा श्रीरंगम, कब मैं जाऊंगा अलग अलग भगवान के जो धाम है वो धाम में दर्शन करने, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने में कब जाऊंगा, बस उनके मन में वही चर्चा रहती थी. In this way, every day he never ruled the kingdom like a majestic king. The kingdom is nicely moving on, but he inner thought and in his inner mind he always meditating. When I go and visit all the holy places. तो इस तरीके से उन्होंने कभी भी अपने राज्य का तो इसी तरह से उन्होंने अपने राज्य को कभी भौतिक राजा की तरह नहीं संभाला. उन्होंने अपने उनका जो अंतर भाव था वो हमेशा आध्यात्मिक स्वरूप से प्रबल रहा और लेकिन उनका जो राज्य था वो भी अच्छे से चल रहा था. But the minister saw the king is not looking kingdom. He always wanted to go. He every day is planning. Tomorrow I go to Sri Rangam. A day after tomorrow I go to Tirupati. So every day he was planning. The ministers are worried. तो उनके जो राज्य के मंत्री थे वो थोड़ा सा चिंतित थे कि राजा का ध्यान राज्य में नहीं है. वह हर दिन तिरुपति जाना चाहते हैं, श्रीरंगम जाना चाहते हैं. तो वो थोड़ा सा चिंतित हो गए. Minister have a discussion, a meeting. What to do? The king is never look after the kingdom. He always wanted to go here and there. He wanted to go different places. If you do something, otherwise he will leave the kingdom and run away. तो इस तरह से वो मंत्रियों ने अपना चर्चा किया, मीटिंग किया, इष्ट गोष्ठी किया, डिस्कस करने लगे कि बाबा क्या करें, ये राजा तो हमें इधर रहना ही नहीं चाहते, बार बार बाहर चले जाते, दूसरे जगहों पर जाना चाहते, तो क्या करें. इस विषय पर चर्चा हुई. See, he is a great an example how king was not attached in kingdom. He is like a Raja Rishi. तो जिस तरीके से ये राजा है अपने राज्य से आसक्त नहीं होते हैं, तो ऐसे राजा को राज ऋषि कहते हैं. ऋषि, what is the meaning of ऋषि? ऋषि का मतलब क्या है? ऋषि का मीनिंग है? Sages who control their mind, body. In one word, they are self-realized souls. They are controlling their mind, they are controlling the senses, always meditating spirit on pastime. They are called ऋषिस. तो ऋषि कौन है? जिन्होंने अपने सारे इंद्रियों मन पर नियंत्रण कर लिया है, अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को राज ऋषि कहते हैं. Rishi means not wearing sephra garment and big beard and sitting inside a curve, not like that. तो ऋषि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मतलब बिनो सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहने, भगवान कलर के कपड़े पहने हैं, बड़ी दाढ़ी है और किधर गुफाओं में जाकर रह रहे, ऐसे नहीं है. Among the devas there is one Rishi. तो देवदास देवताओं में भी एक ऋषि है. He is called Dev Rishi. और उसको कहते हैं देव ऋषि. Who is that? इस तरह से काफी सारे ब्रह्म ऋषि भी है. विश्वामित्र बाद में बने, वशिष्ठ है और भी सही वाल्मीकि जी है, तो और भी ऐसे ब्रह्म ऋषि है. Among the kings there are several rishis up there. और जो राजा है उनमें भी काफी सारे ऋषि है. They are called Raj Rishis. और उनको कहते हैं राज ऋषि. Can you give some other examples? Who are all Raj Rishis? Janak Maharaj. Janak Maharaj name is there in Bhagavad Gita. कर्मणि संसिद्धि आसिद्ध जगदा जनका जयगा अर्जुन यू हैव टू फॉलो जनका फुटस्टेप समझे. जनका जनक महाराज एंड अंबरीसा अम्बरीश महाराज सेवरल परीक्षित महाराज सेवरल एग्जांपल. तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत उदाहरण है राज ऋषियों के. दे हैव अ किंगडम, दे हैव अ वेल्थ, एवरीथिंग दे हैव, बट दे हैव नो अटैचमेंट ऑन दैट. तो उनके पास ऐश्वर्य है, राज्य है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनको कोई आसक्ति नहीं है उसकी. So, राजा कुलसेवर never ever attached to all this kingdom, wealth and all. He always meditated in the Supreme Lord's holy dham when I go to see all the faces.
तो इस तरह राजा कुरुशेखर भी थे, उन्हें अपने राज्य और अपने राज्य की जो संपत्ति है उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, हमेशा भगवत धाम भगवान के धाम के बारे में सोचते थे। Then the ministers did a plan. They made a plan. If you invite Vaishnavas, the king forgot to go to holy places and he stay here and serve Vaishnavas and we all become very safe. तो वो जो मंत्री थे उन्होंने फिर एक निष्कर्ष निकाला कि अगर हम वैष्णव को अपने राज्य में बुलाएंगे आमंत्रित करेंगे तो राजा जो है वो वैष्णव की चर्चाओं में उनके साथ में चर्चा करेंगे और वो भूल जाएंगे कि उनको यही और स्थानों पर भी जाना है। So they invited Vaishnavas from different places. So many Vaishnavas coming different places. Like Abu Dhabi, so many Vaishnavas, saintly places, Guru Maharaj, lot of gurus are coming. We are hearing from them. वैष्णव आते हैं और हमें उनसे श्रवण करने का मौका मिलता है। तो जब वैष्णव उनके राज्य में आए उनके महल में आए तो कुलशेखर अग्रवाल जो है वो भूल गए कि उनको किस धाम में यात्रा के लिए जाना है और वो वैष्णव की सेवा में व्यतीत हो गए। There is no difference between serving Krishna and his devotees. तो भगवान कृष्ण की सेवा में और भगवान के भक्तों की सेवा में कोई अंतर नहीं है। Even though it's very greater, serving Krishna is more best than serving Vaishnavas. तो भगवान की सेवा से भी ज्यादा पुण्यवान और अच्छा है भगवान के भक्तों की सेवा करना। भगवान पार्वती देवी आस्क्ड महादेव, प्रभु पीपल आर वर्शिपिंग सो मेनी डेमिगॉड्स इंद्र चंद्र एंड वर्शिपिंग मी वर्शिपिंग यू वर्शिपिंग अवर चिल्ड्रन गणपति कार्तिकेय एंड सम पीपल आर वर्शिपिंग विष्णु आल्सो अमंग द वर्ल्ड वर्शिप व्हिच इज द बेस्ट। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि लोग जो है काफी सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हमारी आप मेरी पूजा करते हैं, आपकी करते हैं, हमारे पुत्रों की करते हैं, कार्तिक की, गणपति की, फिर कुछ लोग विष्णु जी की भी पूजा करते हैं, तो ये सारी पूजाओं में अर्चना में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो बताते हैं कि आराधनाओं में भगवान की सेवा में पूजा में सबसे उच्च है कौन सा? विष्णु की आराधना। आराधना आराधना मीन्स पूजा, आराधना सर्वेषां अमंग द पूजा विष्णु आराधना परम वर्शिपिंग विष्णु टॉप मोस्ट। तो वो बताते हैं कि सभी पूजाओं में सभी अर्चनाओं में सबसे उच्च कौन सा है? विष्णु जी की आराधना उनकी पूजा। बट अगेन इन सेकंड ही सेड तस्मात् परदरं देवी तदियानां समाचरन् तस्मात् एंड देयरफॉर Vishnu worship is best. Therefore, again is saying. Therefore, tasmat paradharam devi. Beyond that, worshipping tulsi, worshipping Vaishnavas, worshipping holy dham is greater than worshipping Krishna. तो उसके आगे वो कहते हैं कि विष्णु की आराधना तो परम है ही, लेकिन उसके आगे अगर कुछ है तो वो है अर्चना या पूजा तुलसी माता की, फिर वैष्णव की, भक्तों की, वो धाम की पूजा, वो उस और भी श्रेष्ठ है। That means qualitatively, Krishna, there is no difference between Krishna and his associates and his holy dham and his name and his devotees, acharyas, qualitatively one with Krishna. तो हम समझ सकते हैं कि गुणवत्ता पूर्वक हम देखेंगे तो कृष्ण और उनके पार्षद, उनका धाम, उनका उनके जो सहयोगी है उनमें कोई अंतर नहीं, उनके भक्तों में कोई अंतर नहीं है। So, अपना एक अल्टर था, मंदिर था, उस मंदिर में सीता राम लक्ष्मण थे। तो वहां पर रोज क्या रहता, उत्सव होता था। So many Vaishnavas coming, they are glorifying Lord Ram's pastime, they are telling Ramayana, everybody including the king and his followers, his ministers, entire public, whole kingdom sitting and hearing Ramayana.
तो बहुत सारे वैष्णव आते थे और रामायण की चर्चा करते थे, बहुत सुंदर सुंदर भगवान राम की लीलाओं को बताते थे और रोज इस तरीके से वहां पर बड़ा उत्सव होता था। By hearing Rama, Kulasekara forgot where he is, who he is. He forgot everything. He was intensely, he was merged in the drama and he was never ever in external consciousness. तो बार-बार रामायण सुनने से कुलशेखर अनवर जी का जो मन था वो इतना रामायण में स्थित हो गया कि वो भूल गए कि वो कौन है, राजा है, राज्य है, बाहर का जो बाहरी तौर से जो भी है वो पूरा वो भूल गए और उनका जो मन है, चिंतन है, वो सारा रामायण में लग गया। One time, one devotee, one Bhagavata is glorifying Ramayana. So Kulasekara very eagerly and very attentively hearing that Bhagavata explained how Lord Ram sent him to Kalki, sent him to forest, and in forest he was living like a saint. He was in this way glorifying Ramayana. तो एक बार ऐसे एक भागवत पुरुष आए, वहां पर उनको रामायण की कथा सुना रहे थे और वो बता रहे थे कि कैसे कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजा और वो सारे पास टाइम्स वो वर्णन कर रहे थे। And he's explaining when राम लक्ष्मण सीता सीता एंड राम सिटिंग ऑन स्टोन एंड लक्ष्मण इज स्टैंडिंग नियर बाय एंड सडनली वन लेडी अपीयर ऑन द स्काई। तो वो बता रहे थे कि सीता और राम दोनों एक पत्थर पर बैठे हैं, लक्ष्मण जी उनके बाजू में खड़े हैं और ऊपर से उनके एक औरत गुजरती है। She flying on the sky. तो इस तरह से एक राक्षसनी आती है और वो हवा में उड़ रही है। तो इस तरह से वो एक राक्षसनी आती है और उनके ऊपर से जारी होती है। And when she saw Ram beauty, she was so much attracted. She came down to the forest. तो वो भगवान राम को ऊपर से जब देखती है, तो वो भगवान राम की सुंदरता को देखके इतना मोहित होती है कि वो उधर नीचे उतर जाती है। What is her name? उसका नाम क्या है? Shrutanaga. Shrutanaga. So Shrutanaga means one who has a big nail. तो शुभनगर का मतलब क्या है? जिसके नाखून बड़े हैं। Those who are growing big big nail, they are called शुभनगर। जिनके नाखून बहुत बड़े-बड़े हैं, उनको शुभनगर कहा जाता है। Putting lot of colors। और बहुत सारे रंग लगाते हैं उस पर। And putting color on the hair। और अपने बालों को कलर लगाते हैं। Yes, शुभनगर। तो उनको शुभनगर कहा जाता है। And for the men, don't be think I'm very happy. No. Those are men putting lot of color on the hair. So I don't know what that. और पुरुषों में इतना प्रसन्न मत हो जाइए कि जो अपने बालों पर पुरुष जो है बालों पर रंग लगाते हैं वो तृणा वर्ता है। Big big hair. बड़े बड़े बाल रखते हैं। Nowadays youngsters are making big big hair. तो बड़े आज यंग बच्चे हैं वो बड़े बड़े बाल रखते हैं। यह एक असुर है। उनको असुर की जैसा है। So Shrutanaga came in front of Ram. Oh Ram, how beautiful you are. Your shoulders are like this. Your eyes is like this. I want to marry you. I am the queen of this forest. Are you marry me? Then you are the king of the forest. We enjoy this forest. तो शुभनगर राम जी के पास आती है और कहती है ऐसे हो राम, मैं यहाँ पर तुमसे मोहित हुई हूँ। तुम्हारे कंधे कितने अच्छे हैं, तुम्हारे आंखें कितने सुंदर हैं, तुम कितने सुंदर दिखते हो। मैं यहाँ की रानी हूँ और तुम यहाँ के राजा बन जाओ, हम दोनों मिलकर यहाँ पर बहुत आनंद करेंगे। हम लोग बहुत सुंदर गाने गाएंगे। I can't marry another lady. See, I have one brother. He not married yet. So why not you approach him? तो राम जी कहते हैं देखो तुम बहुत सुंदर हो लेकिन मैं तुम्हें पहले नहीं मिला, अब मैं इस सीता माता की तरफ हाथ करके कहते हैं कि मैं अभी इनसे विवाहित हुआ हूँ और मैं अभी कोई और नारी से विवाह नहीं कर सकता। देखो मेरा एक भाई है उधर खड़ा है, अभी तक वो विवाहित नहीं, तुम उससे जाके पूछो। फिर वो लक्ष्मण की तरफ बढ़ जाती है। Seeing Lakshman, Lakshman is like a effulgent like a sun, is like eyes like a lotus petal, so handsome. His effulgent like a sun, super handsome. Oh, handsome one! What a person you are! How beautiful you are! I am the queen of this forest.
Are you marrying me? We'll marry. You are the king of this world. We enjoy this kingdom. तो सुपर्णा फिर लक्ष्मण की तरफ बढ़ दिया और फिर लक्ष्मण जी की सुंदरता को देख के मोहित होती है। वो सोचती है इतना सुंदर ये पुरुष है, इतना तेजस्वी, सूर्य के समान है, आके इतने सुंदर पद्म के समान है। वो फिर से उनको कहती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ और तुम यहाँ के राजा बन जाओ, हम फिर मिलकर बहुत आनंद करेंगे। लक्ष्मण से I think you are intelligent, but you are fool number one. लक्ष्मण जी कहते मुझे लगा कि तुम कोई बुद्धिमान बुद्धिमान औरत हो, बट तुम तो बहुत मूर्ख हो। Why not you are intelligent? I am servant of Ram. If you marry me, you are the servant only. वो कहती है लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं देखो राम जी का दास होगा, तुम मुझसे शादी करोगे तुम भी यहाँ की दासी बन जाओगे। Better you marry Ram. तो वो कहते हैं कि तुम ऐसा करो राम जी से विवाह करो। And again she went to Ram. फिर वो राम जी के पास जाती है। Oh Ram, what a such a nice person. I want to marry you. फिर से राम कहती है तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इनसे राम और लक्ष्मण प्लेइंग विद द राक्षसी सुपर्णा। तो इस तरीके से राम और लक्ष्मण वो राक्षसी के साथ खेल रहे थे। After some she got angry. फिर थोड़ी समय के बाद वो बहुत गुस्से में आ गई। There's two women being cheating me. I want to kill that lady. What kind of lady is very thin and body says, I have handsome I was. So this fool Ram married that thin girl. I kill her, drunk her, but then I took Ram with me. तो फिर वो थोड़ी देर के बाद बहुत गुस्सा हो जाती है सुपर्णा और सोचती है कि ये दो मानव मुझसे खेल रहे हैं, मैं काम करूंगी, मैं अभी ये सीता को ही मार दूंगी, कितनी पतली पतली सी है, कुछ भी है नहीं उसका, उसको मार कर उसका खून पीकर मैं फिर राम के पास जाऊंगी और फिर राम से शादी करूंगी। और वो बहुत नजदीक चली जाती है सीता माता के उनको पकड़ कर मारने के लिए। सीता माता भी एकदम से डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि प्रभु राम प्लीज मुझे बचाइए। राम इमीडिएटली लुक अप टर्न अप लक्ष्मण। व्हेन राम टर्न लक्ष्मण अंडरस्टूड इमीडिएटली टू रिमूव हिज स्वॉर्ड। तो राम जी ने सीधा लक्ष्मण की तरफ देखा, लक्ष्मण की तरफ देखते लक्ष्मण समझ गए और उन्होंने अपनी तलवार निकाली। राम से लक्ष्मण डोंट किल दिस लेडी सो कट ऑफ हर नोज। तो राम जी ने बताया कि उसे मार मत देना क्योंकि वो एक औरत है, तुम उसका नाक काट देना। ऐसा प्रहार किया और उसका नाक पूरी तरह से काट दिया। Blood is coming from her nose. और उसके नाक से पूरा खून खून आ रहा है। When the blood is coming from her nose, when the blood is coming from her nose, she's screaming. And the parts become very low. The birds and bees are running here and there crying. तो सुपर्णा कहा कि आप नाक से जब खून आने लग गया तो बहुत रोने करने लगे, जोर जोर से रोने लगे, पूरा पूरा जो वन है वो हिलने गया उसके रुदन के आवाज से। From nose, blood from the nose, he screamed and called his to that there are two brothers there, Karan and Dushan, the forest. तो उनके दो भाई थे करण और दुष्यंत, वो भी चकित होकर आने लग गए वहां पर। Actually, Surpana का are four brothers. शुक्रनगर के चार भाई है, no, पांच भाई है, रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, करण, दुष्यंत। ऐसे पांच भाई है, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, करण और दुष्यंत। और जनस्थान में टू ब्रदर्स देयर करण दुष्यंत। और वहां पर उस स्थान पर करण और दुष्यंत दोनों भाई थे। अलोंग विद 14,000 राक्षसस। और उनके साथ में 14,000 राक्षस थे। हु इज हियरिंग दिस स्टोरी? हु इज हियरिंग? साथ में वो रोते रोते गई, करके रोते रोते गई और करण दूषण को बताते हैं। तो करण दूषण बोलते अरे क्या हुआ तुझे, कौन किया तेरे साथ ये, मैं उसे भी मार दूंगा। And she tell, you are a coward. You are sitting here. Two handsome men are in the Janastha. They made me like this. You are coward fellows. Go and fight with him. तो अपने भाइयों को बोले कि तुम कैसे बिना काम के हो, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ पर वो दो पुरुष आए, उन्होंने मेरे साथ ये किया, तुम क्या बैठे हो यहाँ पर, जाओ उन्हें मारो। And immediately the Karan Dushan got so much angry. They have a donkey vehicle. करण और
दुष्यंत के पास गधे के जैसे व्हीकल है, वाहन है, और उसके ऊपर बैठकर बहुत सारा आवाज करते हुए चोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते वहां पर जाते हैं, उस तार पर जहां पर राम और लक्ष्मण है। करण एंड दुष्यंत केम अलोंग विद 14,000 सोल्जर राक्षसस टू किल राम। ओ करण और दुष्यंत 14,000 राक्षसों की सेना लेकर आते हैं राम और लक्ष्मण को मारने के लिए। When the Rakshasa arrived that place, Ram Lakshman place, immediately Lakshman got angry. He got his weapon. तो जैसे वहाँ पर राक्षस आए तो लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा हो गए और तुरंत उन्होंने अपना धनुष बाण उठा लिया। राम से, no no Lakshman, you take care of Sita. I will punish all these Rakshasas. तो राम जी बोलते हैं लक्ष्मण को, नहीं नहीं तुम पहले सीता माता की चिंता करो, उनका उनका ध्यान रखो, इन राक्षसों को मैं खत्म करता हूँ। Ram single handed, only one person and other side is 14,000 Rakshasas. तो राम अकेले और उनके अपक उनके उपरक्ष में थे 14,000 सेना। And Kurusendra is hearing the story, he immediately woke up. Hey, what happened here? Only Ram is alone. 14,000 soldiers are Rakshasas are killed. Immediately go and attack the Rakshasas. Come on, this is my order. He took the horse and he went. राम अकेले है और सामने 14,000 की सेना है उनके, तो कुरुक्षेत्र अपने स्थान से खड़े हो गए और बोलने लगे ये मेरा ऑर्डर है कि चलो अभी राम वहां पर अकेले है, हमें उनसे लड़ना है। वो अपने घोड़े पे बैठ के निकल गए। जो कथा सुना रहा था उसको प्रॉब्लम में, वो प्रॉब्लम में आ गया। How to stop the king? राजा को कैसे रोकेंगे? तो वो राजा को आवाज दे रहे हैं, राजा मेरे प्रिय राजा रुक जाओ रुक जाओ। तो राजा पूछते क्यों रोक रहे हो मुझे? You no need to go there. वो कहते हैं कि आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है। Ram is to this Kodanda. Kodanda, wow. तो राम ने अपना कोदंडा उठा लिया, धनुष बाण उठा लिया है। He placed one arrow on Kodanda. और उन्होंने अपने धनुष पर अपना बाण को खींच लिया है, तीर को खींच लिया है। He pulled the arrow to the earth. और उन्होंने उस को तान कर, उस बाण को तान कर निशाना बनाया है। Pull the arrow from his ear. This. From अपने कान तक अपने उस बाण को उन्होंने ताना है। As the one arrow is going, expanding 4,000 of arrows, flowing like a torrent rage. तो वो एक बाण उन्होंने जो छोड़ा, वो एक बाण मल्टीप्लाई होने लग गया, मतलब 4, 8, 16 ऐसा, और बारिश की तरह वो बाण सब बरसने लग गए। और सारे जो राक्षस है, किसी का कान कट रहा है, किसी का बाण मुट्ठी कट रही है, किसी का हाथ पैर कट रहा है, और सारे राक्षस जो है वो धराशायी हो रहे थे और वहां पर खून की नदी बहने लग गई। राम सिंगल हैंडेड किल्ड 14,000 राक्षस अलाइंग विद करण एंड दुष्यंत। और राम ने अकेले ने 14,000 राक्षसों को खत्म किया, साथ में करण और दुष्यंत का भी वध किया। प्रभु की राजा जो है वो बहुत प्रसन्न हो गया और उन्होंने बोल दिया चलो अभी इसका उत्सव मनाएंगे। राम जी विजयी हो गए, अभी हम मस्त बहुत बढ़िया से उत्सव मनाएंगे। In this way, every day is going on. और ऐसा रोज चल रहा है। One day what happened? Regular storytelling devotee have another program. He called another devotee. You go and tell Rama to the king. But one thing you have to remember, you don't describe sad pastime in Rama. तो एक बार ऐसे ही हुआ कि एक कथाकार ने दूसरे कथाकार को भेजा, लेकिन उसने बताया उसको कि आप जाओ रामायण की कथा करना, लेकिन कोई भी रामायण में से जो तीव्र पास टाइम है, जो दुखी वाला दुख वाला पास टाइम है, वो किसी को मत बताना। सिर्फ सुख वाला पास टाइम बताना, लीला बताना, लेकिन दुख वाली लीला बिल्कुल नहीं बताना। बिल्कुल नहीं बताना, बिल्कुल नहीं। एंड द डूअर गॉट सो ओके ओके आई विल मैनेज इट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो वो कहने लगे ठीक है मैं संभालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाके बोल दूंगा। सो ही केम, ही डिस्क्राइबिंग रामायण। तो आके रामायण की कथा बोलने लगे, बट ही फॉरगॉट दैट। और वो भूल गए। ये फॉरगॉट, नाउ ही डिस्क्राइबिंग रामायण राम लीला। He said, one day the golden deer came, is moving here and there. Sita got attracted the deer. She called Ram, hey Ram, please, I want the deer. If deer is, you caught me, I went to my Ayodhya palace, I kept it with me.
तो वो भूल गए कि दुख वाला पास्ट टाइम नहीं बताना है और बताने लग गए। वो पास्ट टाइम में बता रहे कि एक बार उस जंगल में सुअर ने हिरण आए, माता सीता उससे मोहित हुई और उन्हें राम जी से बहुत अनुरोध किया उस हिरण को लाने के लिए, और इस तरह से वो कथा चलने लग गई। सो व्हेन द डियर केम सीता देव रिक्वेस्टिंग राम से राम लक्ष्मण से नो नो राम यू शुड नॉट गो फॉलो द डियर दैट इज मारीचा। तो राम लक्ष्मण जो है राम से बोलने लगे कि राम जी आप मत जाइए, वो स्वर्ण हिरण नहीं है, वो मरीच राक्षस है। राम से लक्ष्मण यू डोंट वरी, इफ इट इज डियर आई विल कैच, इफ इट इज मारीचा आई विल किल, नो प्रॉब्लम। तो राम जी के लक्ष्मण से कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, अगर वो स्वर्ण हिरण है तो उसको मैं पकड़ लूंगा, अगर वो मरीच राक्षस है तो उसको मैं मार दूंगा। राम से फ्रॉम द मैरिज फ्रॉम द डे वन ऑफ माय मैरिज सीता नेवर एवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। तो वो कहते हैं कि मेरे शादी के एक दिन पहले से भी मतलब एक दिन से भी कभी कुछ सीता माता ने मुझसे मांगा नहीं है, आज पहली बार उसने कुछ मुझसे मांगा है। कुछ मांगती नहीं है। तो इस तरह से राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि तुम चिंता मत करो, अगर वो हिरण है तो पकड़ लूंगा, अगर वो राक्षस है तो उसे मैं खत्म कर दूंगा। So when Ram went to catch the deer and absently he never came by, when Ram understood his maricha and hit it on the air to the deer, then he immediately called, Oh Lakshman, Oh Sita, Oh Lakshman, the voice of Sri Ram. तो जैसे राम जी उसके हिरण के पीछे भागते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये मरीचा है, तो उसे वो बांध मारते हैं और वो मरने से पहले क्या करता है, वो राम जी के आवाज में चिल्लाने लगता है, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ। सीता माता जोर जोर से बोलने लगती है लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण तुम जाओ राम जी को बचाओ, राम जी को तुम्हारी आवश्यकता है, जाओ जाओ, वो उन्हें भेजना चाहती है। And Lakshman is loving Sita Mata, this Maricha sir, I know, never one give trouble to Ram. No one can conquer Ram, you don't worry about it. तो लक्ष्मण जी सीता माता से बोलते हैं कि आप चिंता मत करो माता, राम जी को कोई कुछ नहीं होगा, ये मारीची है जो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, आप चिंता मत करो, राम जी वापस आ जाएंगे। Again, the Maricha is crying, Oh Lakshman, Oh Sita, Oh Lakshman, Sita, please help me, save me. और मरीच जो है वो फिर से राम जी की आवाज में जोर जोर से रोने लगते हैं कि लक्ष्मण सीता करके रोने लगते हैं, मतलब इस तरह से वो एक्टिंग कर रहे हैं। This time Sita got angry. Hey Lakshman, why are you like here? You go. Or you want to enjoy me without Ram is here? I know your idea. You go and be. She spoke a harsh word to Lakshman. तो सीता माता बहुत गुस्सा हो जाती है कि लक्ष्मण क्यों नहीं जा रहे, मेरे बोलने पर भी नहीं जा रहे, राम जी की ऐसी स्थिति का आवाज सुनकर वो बहुत ही बुरे शब्दों में लक्ष्मण को कहती है कि तुम चाहते हो कि राम जी को कुछ हो जाए ताकि तुम मेरा आनंद भोग सको। लक्ष्मण, okay, what to do? Mother Sita is speaking like this. I know that when I come back, Sita Mata will never be here. So he couldn't tolerate that. He went to search Ram. तो वो चाहते थे कि माता सीता को कोई उठाकर लेके जाने वाला है, लेकिन माता सीता के ऐसे कठोर शब्द सुनकर वो मायूस होकर वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे जाकर अभी माता का ये वचन का पालन करना होगा, और इसलिए वो निकल जाते हैं। At the time Ravana came and kidnapped Sita, put her in the Pushpa Viman, is flying in the sky. और फिर क्या हुआ, रावण आए, रावण ने सीता माता को पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में डालकर वो आकाश में उड़ने लग गए। सीता स्क्राइंग, ओ प्रभु, ओ लक्ष्मण, ओ राम, ओ लक्ष्मण, शी स्क्रीमिंग एंड स्क्राइंग। और वो जोर-जोर से रोने लग गई, प्रभु राम, लक्ष्मण, प्रभु राम, लक्ष्मण, इस तरह से रुदन करने लग गई। एंड द किंग इज हियरिंग दैट। और कौन सुन रहा है ये? ये सुन रहा है। इमीडिएटली रोज फ्रॉम द सीट। What happened? This Rajasa Ravan without Prabhu's presence, Rama is not there. Their kutir, Ravana came and kidnapped Sita. I order the entire army, we go to attack Lankana. तो ये राव ये कथा को सुनकर चंद्रशेखर आरो से खड़े हो गए, स्थान से खड़े हो गए और सोचने लगे ये क्या हो रहा है, रावण ने सीता माता को अपहरण कर लिया, राम नहीं है वहां पर, लक्ष्मण नहीं है वहां पर, मैं पूरे मेरे सेना को ऑर्डर देता हूँ कि आप जाइए और लंका पर आक्रमण कीजिए। He tells what? Go to the
समुद्र और वो अपने घोड़े पर बैठकर समुद्र की तरफ दौड़ने लगते हैं. This new devotee couldn't, he doesn't know understand how to stop him. तो ये नए भक्त आए थे उनको समझ में नहीं आया कि राजा को कैसे रोका जाए. Entire army is following Kulasekhar. और पूरा जो उनका सेना है Kulasekhar को उनको उनके पीछे पीछे दौड़ने लग गया. When he reached समुद्र, how can he swim? He took one sword in his hand, he's swimming like this. और वहाँ पर उस समुद्र के पास में पहुंचे तो राजा ने क्या किया, अपने हाथ में एक तलवार ली और वो समुद्र में तैरने लग गए. I'm seeing his devotion, how much dedication, how much submissive, how much eagerness to hearing Rama. He was merged in the Rama. Seeing his pure heart and devotion, Lord Ram appeared from the samudra. Hari Bol. इस तरह से वो समुद्र में जब तैरने लग गए तो उनकी इस भक्ति को देखकर, उनकी इस उत्साह को देखकर रामायण में जो पूरी तरह से एकदम विलीन हो गए हैं, उनकी इस विलीनता को देखकर समुद्र में से रामचंद्र जी बाहर आए. सीता, राम, हनुमान, लक्ष्मण all are appeared from the middle of the ocean. और सीता, राम, लक्ष्मण सारे के सारे उस समुद्र के मध्य से बाहर आते हैं. उनको रामचंद्र प्रभु की जय. राम कुलशेखर, वेयर आर यू गोइंग? तो राम जी आके पूछते हैं कुलशेखर से, अरे कुलशेखर कहां पर जा रहे हो तुम? प्रभु जी रावण किडनैप सीता. वो कहते हैं प्रभु जी प्रभु राम, वो रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है. अरे कुलशेखर सीता इज हियर. तो वो बोलते हैं कुलशेखर को कि देखो सीता माता तो मेरे साथ है. आई किल रावण. तो कहते हैं मैंने रावण को तो मार दिया. आई डिस्ट्रॉय किंगडम. और मैंने उनके पूरे लंका को भी खत्म कर दिया. आई गेव किंगडम टू विभीषण. और मैंने ये उनका लंका का राज्य विभीषण को दे दिया. यू गो बैक पीसफुली एंड सिक्योर किंगडम. तो मैंने आप जाओ अपने राज्य में जाकर शांति पूर्वक रहो. इमीडिएटली हरि बोल, जय सीताराम, लक्ष्मण, चंद्र, सीतापति प्रभु की जय. तो इसके बाद फिर से बड़ा उत्सव हुआ. And we had a big feast and everyone is enjoying. Oh, Lord Ram conquer Ravan and kill Ravan. There is a big festival is going on. Here also we have did a big feast. Oh, कि रामचंद्र जी ने रावण को हरा दिया, लंका को पराजित कर दिया. चलो अभी हम उत्सव मनाएंगे और बहुत बड़ा उत्सव उनके राज्य में मनाना शुरू कर दिया. This way he was never interested in ruling kingdom and dominating other kings or getting money from them. He was simply whatever he had, he was so satisfied. Every day he is hearing Ramayana from each one of the ones. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुलशेखर हलवार जो थे वो कभी भी अपने राज्य में भौतिक प्रकार से कोई आसक्ति नहीं थी उनको. उनका सदैव हृदय जो था वो हरि कथा रामायण यही सुनने में व्यतीत रहा. Then again the minister are discussing. Now the king is not going holy places, but he is always engaging hearing Ramayana. He is not doing any political duties. तो फिर बाकी के जो मंत्री थे वो फिर सोचने लग गए, अभी हमारे राजा तो हमारा राज्य छोड़कर धाम यात्रा के लिए नहीं जा रहे, लेकिन अभी वो हर समय हरि कथा सुनने में व्यतीत कर रहे हैं, तो राज्य का कैसे कारोबार चलेगा? Always sitting with Vaishnavas hearing Ramayana and Ramkatha, what is this? We have to extend our providence, we have to develop our kingdom, but the king is not interested on that. तो वो मंत्री सब सोचने लगे कि अरे क्या ऐसे कैसे चलेगा, राज्य का कारभार संभालना है, राज्य को बड़ा करना है, राज्य में उन्नति लानी है, ये सब कौन करेगा अगर ये राजा सिर्फ ऐसे ही सुनते रहेंगे हरि कथा. Then they made a plan. तो उन्होंने एक प्लान बनाया. One day रामनवमी फेस्टिवल came. रामनवमी फेस्टिवल. तो एक बार रामनवमी जो उत्सव है वो आया था. And रामनवमी फेस्टिवल came. The king made a big festival. Everywhere is decorating by flowers and ornaments. He gave charity. Lot of thousands of Vaishnavas are came to celebrate the festival. They have a Ramakatha, Ramayana katha, kirtan. So many spiritual activities going on. तो जब ये रामनवमी का उत्सव आया तो उनके पूरे राज्य में ये बहुत ही बड़े शोर से मनाया जा रहा था. हर जगह पर फूलों के डेकोरेशन थे, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स लगाए हुए थे और बहुत सारा जो दान था वो राजा ने बहुत सारे चीजों का दान किया. हजारों से भी ज्यादा वैष्णव उनके राज्य में आए और हरि कथा रामायण कथा और कीर्तन सब जगह पर चल रहा था. A lot of high class garments are there, and sometimes they searching one Ratnamala is missing.
वो सब देख रहे थे और अभिषेक हुआ बहुत सुंदर, भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक किया, उनके अर्च विग्रह का अभिषेक किया, बहुत सुंदर तरीके से सजाया, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन फिर उनके ध्यान में आया कि एक रत्न माला जो है वो वहां पर नहीं है। The pujari came to sense that there is no ratnamala in puja room. He searched all puja room and altar, there is no ratnamala. तो वो पुजारी थे, वो उन्होंने देखा कि रत्नमाला कहीं पर भी नहीं है, उन्होंने पूरा अपना पूजा रूम को ढूंढा, अच्छे से सब जगह पर ढूंढा टटोला, लेकिन कहीं पर भी रत्नमाला नहीं मिल रहा था। He came to the king, king, Lord Ram's ratnamala is missing. तो वो आए वहां पर और उन्होंने राजा कुलशेखर को कहा कि राजा जी, ये रत्नमाला जो भगवान राम के लिए हम यूज करते हैं वो अभी यहाँ पर नहीं है। Nobody will take this. Maybe you are mishandling that you have put somewhere else. You can go and search properly to get. तो राजा को लगा कि ये रत्न वाला कोई लेगा नहीं ऐसे हमारे राज्य में, तो तुम देखो तुमने कहीं पर रखा होगा, ढूंढो अच्छे से। No. We search entire puja area, altar, entire that place, temple hall. Never ever we saw it's something missing, somebody taken. तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं राजा, हमने सब जगह पर ढूंढ लिया, पूजा रूम ढूंढ लिया, पूरा मंदिर ढूंढ लिया, सब स्थानों पर ढूंढ लिया, कहीं पर भी हमको ये रत्नमाला नहीं मिला। And the ministers came, they told, we have a doubt among the Vaishnavas, one of the Vaishnavas only take this. तो उनको लगा, तो पुजारी आके बोलने लग गया कि वे एक ये जो वैष्णव यहाँ पर है मुझे उन पर शंका है, उन्हीं में से किसी ने ये रत्नमाला को चोरी किया है। King got very angry. Are you doubting with Vaishnavas? They are saintly person, they are always meditating the Supreme Lord's pastime. Are you doubting with Vaishnavas? तो जो राजा थे वो बहुत क्रोधित हो गए, कुलशेखर राजा, और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि तुम यहाँ पर उपस्थित वैष्णव पर शंका कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो हमेशा हरिकथा में हरि स्मरण में व्यतीत है, वो अपने जीवन में इतना भक्ति कर रहे हैं और वो लोग ऐसे चोरी करेंगे? We are all not going puja room. We are not going. No one can enter in the puja room or altar. Only Brahmanas, Vaishnavas only going there. Then we are doubting about one of the among the Vaishnavas. They may be stolen. तो कुलशेखर अग्रवाल को पूरा विश्वास था कि ब्राह्मण और वैष्णव ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो जो मंत्री थे वो राजा को कहने लगे, तर्क करने लगे कि देखो राजा जी, हम में से कोई तो इस मंदिर में नहीं जाता, सिर्फ ब्राह्मण और वैष्णव जाते, तो हमें ऐसा शंका है कि इनमें से किसी एक ने ये चोरी किया। Then the king got again angry. Again you are complaining Vaishnavas. I'm sent person believing Vaishnavas never do like this. तो जो कुलशेखर वाले होते हैं कि तुम फिर से वैष्णवों पर ये आरोप लगा रहे हो, मुझे पूरा विश्वास है कि वैष्णव ऐसा कभी नहीं करेंगे। No, then who go inside the altar? Who will take this? We maybe search. If you search, you can find out who the thief is. तो फिर वो मंत्री कहने लगे, देखो राजा, हम में से तो कोई जाता नहीं है, मंदिर के अंदर जाने वाले तो यही है, आप एक बार इनकी तलाशी ले लो, तलाशी के बाद पता चल जाएगा किसने लिया किसने नहीं लिया। Then the king never agreed this, and he ordered them, can you bring me a golden pot inside one venomous poisonous snake inside the pot? तो वो राजा ने इस चीज के लिए कभी सम्मति नहीं दी कि हम ब्राह्मणों की वैष्णव की तलाशी लेंगे, उसके अच्छा उसके विपरीत उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक सुनहरा जार मतलब पॉट लेकर आओ, मटका लेकर आओ, और उस मटकी के अंदर क्या रखना है, जहरीला सांप रखना है। And the minister couldn't understand why the king is saying like this. They couldn't move that place, they are still standing on there. तो मंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहे हैं राजा, ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वो उनके स्थान पर वहीं पर खड़े रहे। We are complaining Vaishnavas. Why not he go and search the to find out who is the thief? Why is saying like this? तो वो कह रहे कि हम तो वैष्णव के बारे में तर्क ये मिलू तर्क कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, क्यों नहीं राजा उनकी तलाशी लेता है? And Raja again got so much angry. It's my order. Bring the gold pot with one of the snake. Immediately you bring here. तो राजा ने कहा कि नहीं, ये मेरा आदेश है कि जाओ सुवर्ण मटका लेकर आओ और उसके अंदर एक जहरीला सांप रखो। And they went, they took one golden pot and put one snake inside and kept in front of the king.
तो उन्होंने एक स्वर्ण मटका लेकर आए, उसके अंदर जहरीला सांप रखा और वो राजा के सामने रख दिया। And the king said, if the ministers are saying, one of the Vaishnavas steal the ornament, it is true, let the snake bite me, he put inside the hand. तो फिर राजा ने कहा कि अगर ये जो मेरे मंत्री कह रहे हैं कि ये सब ब्राह्मणों में से किसी एक ने, वैष्णव में से किसी एक ने रत्नमाला को चोरी किया है और ये सच है, तो ये जो जहरीला सांप इस मटके के अंदर है वो मुझे काटकर मुझे मां खत्म कर दे। He put inside the hand inside the pot. और उन्होंने उस मटके के अंदर अपना हाथ डाल दिया। The snake came outside, pay obeisance went. वो सांप जो है वो बाहर आया, उसने महाराज कुरुशेखर अलवार को प्रणाम किया और निकल गया। Now the king understood this, the minister of the culprit. तो राजा समझ गए कि ये जो मंत्री है इन्होंने कोई षड्यंत्र किया है। The minister also agreed, please forgive, we are only making this plan. Brahmanas are very true, Vaishnavas are not did all these things. We want to rule the kingdom by you because you are always merging in the puja, merging in the hearing pastimes of Rama, you are never looking any political activities, therefore we did this. तो फिर वो मंत्री है, वो अपने गलती को कबूल करते हैं, राजा के समक्ष माफी मांगते हैं, कहते हैं कि देखो आप हमेशा ये वैष्णव के भीतर बैठ कर कथा सुनते रहते हो, हमेशा उसी में व्यस्त रहते हो, कोई राज्य का तिरुपति जी को करते हैं। अगर हम तिरुपति में जाते तो हम क्या मांगेंगे वहाँ पर भगवान से? Oh my lord, धनम देगी, विद्या देगी, please give me. तो हम जाकर क्या मांगते हैं? धनम देगी, विद्या देगी, हम कुछ कुछ तो भी मांगते ही रहते हैं। Immediately the coin server came, जल्दी जल्दी। फिर वहाँ का वो चल जाना से। और वहाँ पर जो सेवा के वो हमको जरगटी करके वहाँ से भगाता है। We can't stay there two three seconds. हम वहाँ पर 2-3 seconds भी खड़े नहीं हो सकते। Somebody catch flight from here Abu Dhabi to Tirupati, when they go inside the temple, invite the lady with the closer eyes. तो कोई यहाँ से अबू धाबी से तिरुपति फ्लाइट पे जाता है, वहाँ पर जाके वो मंदिर में जाता है और जब अर्चन वगैरह के समक्ष खड़ा होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है और वो बात प्रार्थना कर ही रहा है तो वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। जल्दी निकलो। अरे पूरा क्राउड है, पूरा पीपल वेटिंग है, चलो। तो सबको ऐसे भगाया जाता है। If you give some money, they'll allow you. अगर आप थोड़ा पैसा दोगे तो आपको थोड़ा टाइम खड़ा कर देंगे। स्पेशल दर्शन के लिए लेके जाएंगे। इन द स्पेशल दर्शन दे क्लोज देयर आइज। और वहाँ स्पेशल दर्शन में भी आप क्या करते हैं? हम अपनी आंखें बंद कर देंगे। बाबा यू कैन ट्रैवल लॉन्ग जर्नी इन फ्रंट ऑफ द डेटी ऑफ बालाजी, यू कैन सी हाउ द लॉर्ड इज ब्यूटीफुल, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्नमेंट्स दे पुट, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस दे हैव, what kind of darshan is this, you can open our eyes wildly and
एंड ड्रिंक द नेक्टर ऑफ द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम गॉड. हमें ये सोचना चाहिए कि इतना खर्चा करके हम इतना दूर का यात्रा करके हम यहाँ पर आते हैं, मंदिर के समक्ष आते हैं, मंदिर में भगवान के अर्चन के सामने खड़े होते हैं, तो हमें अपने आंखें खोलकर भगवान का सुंदर स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए कि भगवान को कितना सुशोभित किया है, कितने सुंदर अलंकार और रत्न उन पर चढ़ाए हैं, हमको कितना सुंदर तरीके से सजाया है, और वो दर्शन से हम अपने मन को तृप्त करना चाहिए. और हम देखते हैं कि कोई इतना दूर दूर से आते हैं, बहुत थकावट की जर्नी कर कर आते हैं, लेकिन वहां पर आकर भगवान के सामने आंखें बंद करते हैं, और जैसे आंखें खोलने का समय भी आया तो उनको जर्गनी करने करके बाहर निकाला जाता है. एंड कुलसेकर केम टू तिरुपति वेरी ब्यूटीफुली ऑफ हिज प्रेयर्स. लेकिन जब कुलसेकर अलवार वहां पर आते हैं और तिरुपति में भगवान बालाजी के सामने समक्ष खड़े होते हैं, तो अपने मन से वो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं निकालते हैं. He want to become a step in front of the lady. वो कहते हैं कि मुझे इस अच्छे विग्रह के जो यू नो स्टेप बनना चाहता हूँ, सीढ़ी बनना चाहता हूँ. Why you want to become a step in front of the deity? उन्हें वो सीढ़ी एक क्यों बनना है भगवान के सामने? Anybody knows? Nobody says jagadi. वो उस वहाँ पर वो कोई जर उनको भगाएगा नहीं वहाँ से. Then another thing, Prabhu said, all the devotees lotus feet dust they can smear on his head. और वहां पर वो भगवान के मंदिर के अर्चक के सामने वो ऐसा स्टेप क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि सारे जो वैष्णव भक्त वहां पर आएंगे वो स्टेप पर चढ़कर भगवान का दर्शन करेंगे, तो उनके सबके धूल चरणों की धूल उन पर लगेगी और वो हमेशा भगवान के दर्शन कर सकते हैं. 24 घंटा वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं, उतना भक्ति उनके मन में है. तमिल देयर इज वन ग्रेट पोएम ही सांग इन फ्रंट ऑफ बालाजी. செடியாய வல்வினைகள் தீக்கும் திருமாலே நெடியோனே வெங்கடவா நின் கோயில் வாசல்தன் அடியாரும் அறம்பெயரும் கிடந்தவங்க படியாய் கிடந்து உன் பவனவாய் காண்பேன். तो ये प्रार्थना उन्होंने जो तमिल में गाई है उसमें उसका पहला अर्थ ये है कि भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो हमारे जीवन के गत जीवन के जितने भी पाप है सब हर सकते हैं. So that's much power you have. So I came to your temple. I doesn't want to go from here. I become a step and I was always seeing your bimba float like your lips, your lotus like puddle like eyes. You are so beauty. I want to always see your darshan. Therefore, I become a step on your in front of you. तो वो कहते हैं भगवान से कि भगवान अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो आप मुझे यहाँ पर आपके मंदिर की सीढ़ी बना लो और मैं यहाँ पर बैठकर आपके सुंदर विग्रह का स्वरूप का दर्शन करते रहूंगा, आपके सुंदर जो लाल रंग के ओठ है उनका दर्शन करूंगा, आपके पद्म जैसे आंख है उनका दर्शन करूंगा, तो मुझे यहाँ पर आपकी सीढ़ी बना कर रखो. In front of the Gopika step, the Vaishnava never will step on the step. They cross over the step. तो आप जब भी जाओगे शिव वैष्णव मंदिर में गर्भगृह के सामने जो सीढ़ी है उस पर कभी भी कोई वैष्णव चरण नहीं रखते, उसके ऊपर से जाते हैं. They are believing maybe Kulasekar is praying like that. He doesn't put our step on feet on the step. तो हम वो सोचते हैं कि कुलशेखर अलवार जो है वो वहां पर उस सीढ़ी पर प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसलिए हमें कभी भी उस सीढ़ी पर अपने चरण नहीं रखने चाहिए. So then Kulasekar sang a very beautiful songs and Prabhupada also gave commentary Mukunda Mala Stotra. तो कुलशेखर अलवार ने बहुत सुंदर मुकुंद माला स्तोत्र लिखा और प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर उस पर कमेंट्री दिया है. मुकुंद माला स्तोत्र वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. प्रत्यस्य प्रत्य प्रत्य प्रत्यस्य प्रत्यस्य इमाम स्वरलोकनाथ. आई वांट टू बिकम योर सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट. 100 टाइम्स प्रेइंग आई बिकम योर सर्वेंट. तो इस प्रार्थना में हम देखते हैं कि कुलशेखर अलवार कहते हैं कि मुझे आपके दास का दास का दास का दास बनना है. 1000 बार 100 बार वो कह रहे मुझे आपका दास बनना है. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी अपनी प्रार्थना में कहा कि हमें दास दास दासानु दास बनना है. दिस वे
hearing from Vaishnavas, serving Vaishnavas is very very important. इस तरह वैष्णव से श्रवण करना, उनकी सेवा करना बहुत बहुत आवश्यक है। I'll tell you another one Vaishnava story. और एक स्टोरी, एक वैष्णव की स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। In Kanchipuram, Varadaraj temple is there. कांचीपुरम में वरदराज मंदिर जो है। Anybody visit the temple? कोई इस वरदराज मंदिर में जाकर आया है? Few devotees went. Varadaraj temple is very famous in South India. वरदराज मंदिर जो है बहुत ही फेमस है, बहुत ही माना जाता है उस मंदिर को। There is one great Vaishnava, he is Shiksha Guru of Ramanuja. तो वहाँ पर एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है, वो शिक्षा गुरु है रामानुजाचार्य के। By his birth he is born in a Sudra family, but he is a first class Vaishnava. वो अपने जन्म से जो है वो शूद्र घर में पैदा हुए थे, लेकिन वो एक फर्स्ट क्लास वैष्णव है। His name is Kanchipurna. उनका नाम है कांचीपूर्ण। He always fanning the Lord. वो हमेशा भगवान को क्या करते हैं? पंखा करते हैं। By his devotion, by his humbleness, was so humble, Varadaraj become very happy with devotion. He every day speak with Kanchipurna. तो वरदराज जी की इतनी सुंदर सेवा करते हैं, वो भगवान की तन मन से सेवा करते हैं, तो वरदराज जी बहुत प्रसन्न हुए और वो कांचीपुर के साथ रोज चर्चा करते हैं। They speak like a friends. वो एक मित्र भाव में, मित्र भाव में, साक्ष्य भाव में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। Now in Kanchipuram, everyone knows Kanchipurna speaking with Varadaraj. They are very close, intimate. They are discussing so many topics. And Varadaraj love so much Kanchipurna. और वहाँ पर जो लोग थे सबको पता चल गया कि कांचीपुरम जो है वो वरदराज जी के बहुत निकट है और वरदराज जी रोज उनसे चर्चा करते हैं। One day, one friend, Kanchipurna friend, he asked Kanchipurna, Kanchipurna, you are speaking with Varadaraj every day. Let me know whether I take this body. When I leave this body, can I go to Vaikuntha? तो एक बार कांचीपुर जो के मित्र थे, उन्होंने कांचीपुर से पूछा, देखो आप वरदराज जी से रोज बातें करते हो, तो क्या आप उनसे पूछोगे एक बार मेरे लिए कि मैं ये शरीर छोड़ने के बाद मैं वापस भगवत धाम जाऊंगा कि यही रहूंगा? कांचीपुर सेड ओके, टुडे गोइंग माय सर्विस, आई एम सर्विंग, आई आस्क वरदराज वेदर यू विल गेट लिबरेशन दिस लाइफ और नॉट। तो कांचीपुर कहते ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आज अपनी सेवा करने जाऊंगा, तो मैं वहां पर वरदराज जी से पूछ लूंगा कि क्या आपको मोक्ष मिलेगा, क्या इस भौतिक जगत से छुटकारा मिलेगा कि आप वापस आओ। Well, finally, Lord asking, Kanchipurna, is any messages today? तो जो पंखा कर रहे हैं, तो वरदराज जी पूछते क्या आज कुछ मेरे लिए मैसेज है, कुछ कैक वार्ता है मेरे लिए? प्रभु आया और क्वेश्चन। तो कहते प्रभु मुझे एक प्रश्न है। ओके, पूछो। तो पूछो, भगवान कहते हैं पूछो और बताओ। प्रभु जी, आई हैव वन फ्रेंड, he asked me in this lifetime we can attain Vaikuntha or not. He asking me, he was very eager to know about in this life he came back to you, he attained Vaikuntha or not. तो कहते हैं कि कांचीपुर कहते हैं भगवान से कि मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ मेरे मित्र का, वो मित्र मुझसे पूछ रहे हैं कि इस आज इस जीवन में मैं जीवन समाप्त होने के बाद तो मैं वैकुंठ वापस आऊंगा, तो मुझे वापस आना पड़ेगा यहाँ पर। And Varadaraj say, if you quit this body in the same life, you attain me. तो अगर वो कहते हैं वरदराज जी कि अगर वो अपनी ये शरीर को छोड़ देगा, तो वो इसी समय मतलब भगवत धाम वापस आ जाएगा, वैकुंठ में वापस आ जाएगा। And the Lord say the reason also. अब वो कारण भी बताते हैं। Why? क्यों? Because very dear to you. वो कहते हैं कि because वो आपको बहुत प्रिय मित्र है, इसलिए वो मेरे धाम में वापस आएगा। He's serving you. और वो आपकी सेवा करता है। You're so happy. I have another doubt, but he doesn't ask how I can ask the Lord. He is planning whether I ask or not. He is expressing on his mind. तो ये प्रश्न का उत्तर का निवारण होने के बाद, प्रश्न का निवारण होने के बाद उनके मन में और एक शंका आई, बट वो फिर संकोचित हो गए कि कैसे मैं पूछूं भगवान से, पूछूं कि नहीं पूछूं, और अपनी सेवा में लगे रहे, भगवान को पंखा कर रहे। The Lord understood. He had a question from his mind. Varadaraj, Kanchipurna, you want to ask something from me? तो भगवान को तो सब समझ में आता, तो भगवान समझ गए कि कांचीपुर के मन में कोई और शंका है, तो वो फिर से पूछते भगवान से, कांचीपुर कि तुम्हें कुछ और पूछना है मुझसे? Yes, my lord. तो कहते हैं हाँ, मुझे पूछना है।
you told me that devotee in this life, same life got liberation. When I get liberation? तो कहते हैं आप वो भक्त के बारे में बताएं कि वो भक्त इसी जीवन में भगवत धाम प्राप्त करने वाला है, लेकिन मैं भगवत धाम को प्राप्त करूंगा? You have, I will never give liberation to you. तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला, तुम्हें कोई भगवत धाम नहीं मिलने वाला। Why? I am serving you for long time. Why are you not giving liberation to me? तो कांचीपुर ने कहते हैं कि क्यों मुझे क्यों भगवत धाम नहीं मिलेगा? मैं आपकी सेवा कितने समय से कर रहा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? You are not serving my devotees. तो कहते हैं कि कांचीपुर ने तू मेरी सेवा कर रहे, पर तुमने मेरे भक्तों की कभी सेवा नहीं की। Therefore I never give liberation to you. इसलिए मैं तुम्हें कभी मुक्ति नहीं दूंगा। He put the chamber there, he ran away from there. तो उन्होंने वो चावल जो पंखा कर रहे थे वो उधर ही छोड़ दिया और भाग गए वहां से। And there was another great saint. Actually he is a god brother. Mahapurna. Mahapurna is god brother of Kanchipurna. They both are disciples of Yamunacharya. और वहां पर एक और बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे महापूर्ण, जो कांचीपूर्ण के गुरु भाई थे, और वो दोनों भी यमुनाचार्य जी के शिष्य थे। When I, if Lord permit me, next time I will give the beautiful fasting of Yamunacharya. समय मिला तो हम next time में कभी जब आएंगे तब यमुनाचार्य जी के बारे में कथा करेंगे। Why? बहुत beautiful fasting. और क्योंकि उनके भी बहुत सुंदर लीला है और उनकी सुंदर कथा है। So he went to Mahapurna's house, but he understood, I am going this Vaishnava dress, he never allowed me his service. तो वो महापूर्ण के घर जाते हैं सेवा मांगने के लिए, पर वो समझ जाते हैं कि अगर मैं महापूर्ण से सेवा मांगूं तो ऐसे वैष्णव ड्रेस में जाकर सेवा मांगूं तो वो मुझे कभी सेवा नहीं देंगे। He removed all his Vaishnava dress and he made him like a servant. He put a turban on his head and wear on dhoti and it's like a he become like a servant maid. तो वो महापूर्ण कांचीपूर्ण जो है वो अपना वेशभूषा चेंज करते हैं, सादी धोती पहनते हैं, सर पे जो गमछा है वो बांधते हैं और एक सर्वेंट की तरह, एक लेबर की तरह वहां पर अपना वेशभूषा बनाकर वहां पर जाते हैं। सर, एनीबॉडी इज देयर? हु आर यू? व्हाट यू वांट? तो वहां पर वो जाकर पूछ लगते हैं कि यहाँ पर कोई है मालिक, कोई यहाँ पर है? आई हैव नो वर्क, I want to work in your palace. Can you give me a job for me? तो वो कहते हैं महापूर्ण से कि मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कोई सेवा दीजिए आपके घर में, मैं आपके इस महल में सेवा करना चाहता हूँ। Okay, somebody came, there is no food for him. He may be asking some work. Why not give some job? Okay, we have a job in our goshala. Are you ready to do that? तो महापूर्ण उनसे कहते हैं ठीक है, तो कोई आया है, दुखी कष्टी है, उसको कोई खाने को नहीं मिल रहा है, तो काम ढूंढ रहा है, तो चलो काम देते हैं। तो कहते हैं उनसे कि हमारे गोशाला में कुछ काम है, आप करोगे? तो कांचीपूर्ण बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ मैं करूंगा। He went to the goshala and clean every day, cleaning the goshala and bathing the cows, making the removing the cow dung. And he was very, every day is cleaning very nicely on the goshala. तो वो जाते हैं गोशाला में, गोशाला का बहुत सुंदर तरीके से क्लीनिंग करते हैं और बहुत सुंदर साफ सफाई करते हैं वहां पर, और गायों को नहलाते हैं वहां पर, बहुत अच्छे से क्लीन करके रोज गौशाला की अच्छे से सेवा करते हैं। सर, वन डे हैवी रेन, ऑल एवरीवेयर इज वाटरिंग। ही स्टेड इन अ स्मॉल कुटीर, द कुटीर फुल ऑफ वाटर। ही वाज स्टेइंग इन द गौशाला। ही ब्रिंग द ही टाइड ऑल द काउस इन गौशाला एंड वेंट इनसाइड द रूम एंड ही चेंज्ड हिज ड्रेस एंड वोर हिज वैष्णव ड्रेस। तो वो देखते हैं एक दिन क्या होता है, जो बहुत तेज बारिश आती है उनके कुटीर में पूरा पानी घुस जाता है और गौशाला में भी थोड़ा पानी घुस जाता है। तो अपने गायों को अच्छे से बांध देते हैं गौशाला के अंदर और उनके जो सारे सर्वेंट के जो मतलब दास के जो कपड़े थे वो सब गंदे हो गए, तो वो उनको सुखा के अपने वैष्णव ड्रेस को पहन लेते हैं। और वो देखते हैं कि बहुत लेट हो गया, अभी कोई आएगा नहीं, तो अपना तिलक विलक पहन के वो अपना जपा कर रहे हैं वहां पर बैठकर। सो महापूर्ण थॉट, टुडे सो मच हेवी रेन, व्हाट द पर्सन इज गोइंग, व्हाट इज डूइंग, वेदर ही इज लिविंग और नॉट, कुटीर फुल ऑफ वाटर, लेट मी गो एंड चेक, ब्रिंग अन अम्ब्रेला एंड केम आउट।
तो महापूर्ण जो है उनको चिंता होती है कि अरे ये मेरा सेवक है वहां पर उसकी क्या हालत हुई है, दुर्दशा हो गई होगी, बारिश में पूरा पानी उनके कुटीर में घुस गया होगा, वो सही सलामत है कि नहीं, वो देखने के लिए महापूर्ण छाता लेकर उनके कुटीर में आते हैं। And he opened the door, he saw the Kanchipurna sitting and chanting the holy name. और वो जब दरवाजा खुलकर देखते हैं तो देखते हैं कांचीपूर्ण बैठ के वहां पर जप कर रहे हैं। अरे प्रभु, what are you doing here? You make me trouble with me. Why you are serving me? You are my god brother. You are the great devotee of the Lord. You are disciple of Yamunacharya. Oh, Prabhuji, pay please dandavat pranam to Kanchipurna. तो महापूर्ण देखते हैं यमुन कांचीपूर्ण वहां पर बैठे तो उनसे रुदन करने लगते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते क्या आपने मुझसे पाप करवाया, मैं आपसे सेवा ले रहा था इतना दिन। And they embrace each other. और फिर दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। And कांचीपूर्ण said, what to do? I never did any Vaishnava seva. Lord gave service to me. तो वो कहते हैं क्या करूं, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने कभी वैष्णव सेवा नहीं किया, तो भगवान ने मुझसे ये सेवा करवाई। This way, Vaishnava service is very, very important. Without serving Vaishnava, you never get Guru's blessing. So, इसी तरह वैष्णव सेवा जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है. बिना वैष्णव सेवा के हमें अपने गुरु की भी कृपा नहीं मिलेगी. If you satisfy Vaishnavas, Guru become happy. अगर हम वैष्णव को अच्छे से सेवा करेंगे और वैष्णव को प्रसन्न करेंगे तो हमारे गुरु भी ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। If guru is happy, all our previous acharyas are happy. अगर हमारे गुरु प्रसन्न है तो हमारे जो बाकी के आचार्य है वो भी, हमारे गुरु परंपरा में जो भी आचार्य आते हैं वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमारे आचार्य जो गुरु परंपरा में आते हैं वो प्रसन्न है तो नित्यानंद प्रभु हमसे प्रसन्न है। अगर नित्यानंद प्रभु हमसे प्रसन्न है तो चैतन्य महाप्रभु भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। वैष्णव की सेवा कीजिए, महाप्रभु हमसे बहुत प्रसन्न हो जाए। हरे कृष्णा।